आज आपको हम एग्रोनॉमी के प्रैक्टिकल में दूसरे न्यूमेरिकल के साथ आगे बढ़ते हैं और वो है डीएपी का न्यूमेरिकल, तो जिसमें कि हम डीएपी, यूरिया और एमओपी को लेकर के हम चलते हैं, जिसको कि हमने आपको पेज के ऊपर सॉल्व करके दिखा दिया है और उसी के तहत आपको इस न्यूमेरिकल को करना है। और जैसे जैसे मैंने आपको सॉल्व करके न्यूमेरिकल पेज के ऊपर लिख करके दिया, यानी कि पहले न्यूमेरिकल हिंदी इंग्लिश में मैंने लिख दिया, उसके बाद फिर टेबल एक दी है जिसमें कि हम न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या मिलता है, न्यूट्रिजन फॉस्फोरस और पोटाश के अंतर्गत, उसको हमने दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको नोट दिया, वो भी मैंने हिंदी में लिख करके दे दिया है, इंग्लिश में लिख कर दे दिया है। हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे। और इस चीज को पूरी तरीके से आपका 4 तारीख की डेट में है, ये 4 तारीख की डेट में ये दूसरा न्यूमेरिकल आप करेंगे, क्योंकि आप लोग आ नहीं रहे हैं, कुछ बच्चे आते हैं तो उनको मैं ये ऑलरेडी मैं यहां पर करा चुका हूं, समझा चुका हूं। आप उनसे अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ लीजिए, वो आपको समझा देंगे, और नहीं है तो फिर ये मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, जिसमें कि मैंने आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल कर दिया है, एक न्यूमेरिकल करके आपको समझा दिया है, पूरा बता दिया। और उसके बाद इसी न्यूमेरिकल में पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो इस न्यूमेरिकल में पीछे एकदम अंत में आंसर के बाद अगर आप देखेंगे तो वहां दो न्यूमेरिकल मैंने शॉर्टकट मेथड से आपको लिख दिए हैं और आप उनको सॉल्व करेंगे। और इस वाले जो दो न्यूमेरिकल में आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल लिखेंगे, न्यूमेरिकल लिखने के बाद आपने सारणी लिखी, सारणी लिखने के बाद आप नोट कर लिखेंगे, और फिर नोट के बाद जो हाफ हेक्टेयर लैंड और 2 हेक्टेयर लैंड के न्यूमेरिकल हैं उनके न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को आप हाफ हेक्टेयर लैंड और 2 हेक्टेयर लैंड में कन्वर्ट करेंगे, और उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस सीक्वेंस में कोई भी गड़बड़ी करी तो मैं उसको काट दूंगा, यानी कि पहले न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के बाद टेबल, टेबल के बाद नोट, नोट के बाद हाफ हेक्टेयर एंड 2 हेक्टेयर का कन्वर्जन, और उसके कन्वर्जन के बाद आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आंसर जैसा कि मैंने यहां पे कंसाइज फॉर्म में एक जगह पे पूरा आंसर उतार के रख दिया, उस आंसर को आप उस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल हो जाएगा डीएपी का, और आप इसको अपने प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड पर 4 तारीख की डेट में आप इसको करके एक एक करके जैसा भी आप आते हैं आकर के सबमिट कराइए, चेक कराइए, क्योंकि जो बच्चे यहाँ आते हैं उनके रिकॉर्ड चेक होते जा रहे हैं, तो आप भी कोशिश करिए कि आप भी आएं, आकर के एक एक करके दो दो करके आएं, आकर के रिकॉर्ड चेक कराते जाइए और आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट उसमें हम आपको डीएपी का देंगे, सॉरी एनपीके ग्रेड 1, 2 और 3 का देंगे, क्लियर है। आज के लिए इतना काफ़ी है आपके एग्रोनॉमी के प्रैक्टिकल के लिए।